नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी मोदी सर ने मानहानि मामले को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सजा पर रोक लगाई है बल्कि ट्रायल जज ने जो सजा दी, अधिकतम सजा दी, उसको लेकर भी ये टिप्पणी की कि कारण नहीं बताया गया कि अधिकतम सजा ही क्यों मिली है, क्योंकि अगर एक दिन की भी कम सजा दी जाती तो उनकी सांसद ही नहीं जाती और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के जो मतदाता हैं, उनके अधिकारों का भी हनन नहीं होता। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है ये बहुत ही मायने रखती है, किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत मायने रखती है। इस पूरे मसले पर जो राहुल गांधी का जो पूरा प्रकरण है, उनको जो राहत मिली है और उसके बाद जो भारत की राजनीति है, अब वो किस करवट बदलती दिख रही है, बीजेपी को ये कितना बड़ा धक्का है, खासकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कितना बड़ा धक्का है, और जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, इसको क्या राहुल गांधी एक नेता के तौर पर दिखना शुरू हो गए। हालांकि कई जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह की बातें शुरू करना। और सबसे अहम बात यह कि राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बर्ताव था, जो रवैया दिखा, बहुत ही संयमित होकर बहुत ही कम सीमित शब्दों में उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया है, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए, विस्तार से इसकी गहराई तक जाने के लिए हमारे साथ बेहद ही सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं जिनका 40 सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। देश की तमाम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में उन्होंने जो है अपना योगदान दिया है। नवभारत टाइम्स हो, जनसत्ता हो, डेक्कन हेराल्ड हो, संडे गार्डियन हो, दैनिक भास्कर हो, ईटीवी हो, और अब वो कॉलमिस्ट भी हैं जाने माने। उनका स्वागत कर लेते हैं। अनिल सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। जी नमस्कार। सर, मेरा सौभाग्य कि मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित किया और आप यहाँ पर उपस्थित भी हुए, तो बहुत बहुत आभार पहले आपका। और राहुल गांधी और कांग्रेस, आपसे बेहतर कौन इसको समझ सकता है कि राहुल गांधी को अब जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अब देश की जो राजनीति है, कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा, राहुल गांधी को कितना बड़ा फायदा, राहुल गांधी क्या फिर से एक बड़े नेता के तौर पर उभर गए हैं? ये देखिए, ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद है ही। एक ऐसे इसकी टाइमिंग को देखना चाहिए, ऐसे समय में ये आया है फैसला, जिस समय में एक बड़ा मतलब टकराव चल रहा है विपक्षी पार्टियों का सत्ता पक्ष के साथ, और वो टकराव काफी विपक्ष के पक्ष में है मानना चाहिए, क्योंकि मणिपुर का है मामला या के खिलाफ, जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश उन्होंने लाया है, दोनों तो दोनों ही मामले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। एक फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ है केजरीवाल सरकार के वाला मामला, और दूसरा एक पूरे देश के मतलब सुरक्षा तंत्र, जो गवर्नेंस है, अब बहुत सारी चीजें, हिंदुत्व का जो जिस तरह से नया संस्करण दिखाई दे रहा है मणिपुर में, जो कुकी जो समुदाय के लोगों को टारगेट किया है मैतेई लोगों ने, इस तरह से एक ऐसे नाजुक समझ लीजिए मोड़ पे, या बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पे के फैसला आया है, और उस समय आया है जिस समय ये भी लग रहा था कि इंडिया जो गठबंधन बना है उसके बारे में कई तरह की शंकाएं लोग जाहिर कर रहे थे कि ये कितना चल पाएगी और इस गठबंधन का कितना असर होगा, लेकिन जिस तरह से यूनाइटेड ढंग से उन्होंने मणिपुर के इशू में या केजरीवाल के मामले में सामना किया, तो ऐसे समय में कांग्रेस को एक बूस्टर, ऐसा बूस्टर आया है जो बूस्टर मतलब जिसके लिए उसने प्रयास नहीं किया, मतलब वो हाईकोर्ट का फैसला आया और रूटीन वे में उनको जाना था जी। ये जो है मतलब फैसला इस लिहाज से कि ऐसे वक्त पे आया है जब, और 2024 भी बहुत करीब आ गया, ऐसा लोग मान रहे थे, मैं इसमें संकोच नहीं होगा मुझको कहने में कि मैंने भी कहा था कि बीजेपी किसी भी तरह, मतलब मोदी सरकार, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इनको किसी भी तरह से संसद में नहीं आने देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया। इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बूस्टर है, और सबसे बड़ा है कि लोकतंत्र के लिए, जो ऐसे समय में जब लग रहा था कि कुछ भी कर सकते, ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जा नहीं रहे हैं संसद में, उसके बाद संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं, अब एमपीज की बैठक कर रहे हैं, बाहर में रैलीज कर रहे हैं, लेकिन वो संसद में नहीं जा रहे हैं, एक तरह से वो जिस तरह से बहिष्कार आप कह सकते हैं, अलिखित बहिष्कार किया हुआ है। इसके पहले आप जिस राहुल गांधी को जिसमें पिछले बार जो जिस संसद से जिस तरह निकाला गया जुडिशियल प्रोसेस का सहारा लेकर के, वो आप देख ही चुके हैं। तो इस तरह से
उस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जब उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है तो सभी जो तमाम लोग हैं अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सदन में मॉनसून सत्र चल रहा है इस दौरान क्या राहुल गांधी भी अब दिखेंगे, जब 8 से 10 अगस्त के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो क्या राहुल गांधी को मौका मिलेगा संसद में पहुंचने का, इसे लेकर सबकी जो उत्सुकता है काफ़ी बढ़ गई है। अनिल सर क्या कहेंगे कि क्या सरकार ये कोशिश करेगी कि उनकी जो सांसदी है वो त्वरित तौर पे जो है बहाल कर दी जाए, या फिर कागजी कार्रवाइयों में उलझाए रखने की कोशिश देखी जा सकती है, या फिर जो पुर्णेश मोदी है वो फिर से कोर्ट जा सकते हैं, किस संभावना को जो है आप ज्यादा प्रबल मानते हैं? देखिए कोर्ट में तो अब उनके लिए जगह, मतलब अभी फिलहाल इस जो स्टे हुआ है कन्विक्शन पे, असल उन्होंने सजा पे रोक लगा दी है, और सजा पे रोक लगाने का मतलब यही है, और जिस तरह से उन्होंने चर्चा की है मतलब जस्टिस मतलब खंडपीठ ने कि ये जो लोग वायनाड के जो हैं कंस्टिट्यूंसी के लोग जो कस्ट जो उनका जो इलेक्टोरेट है वो उनके उनके राइट्स को ध्यान नहीं दिया आपने सजा सुनाते वक्त, मतलब अगर आप 2 साल से कुछ कम की सजा देते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसका मतलब है कि सदस्यता पर फोकस सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल करना उसको ज़्यादा जरूरी समझता था। तो कन्विक्शन पर जो जिस तरह से रोक लगाया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो इस बात को इंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता में इंटरेस्टेड है। तो अगर वो सदस्यता बहाल नहीं किया उसको उसमें व्यवधान डालने के लिए बीजेपी या पुर्णेश मोदी या कोई भी प्रयास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको कम से कम मतलब इजाजत उसकी नहीं देने वाली है। तो उनके पास इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो नहीं है, दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि इसको लटका के रखे जैसे कि पहले किया उन्होंने लक्षदीप के एमपी के बारे में, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि इसको लंबे समय तक लटका के रख सकते हैं, ये उनकी मतलब ये काम मतलब स्पीकर कर सकते हैं कि स्पीकर पे लेट से फैसला लेंगे, लेकिन मुझको लगता नहीं है कि ऐसा करेंगे, क्योंकि अब हुआ ऐसा है कि इस मामले में इतनी एक तो जग हसाई वोट जिसको बोलते हैं उस तरह का हो चुका है, और ये इस डिफीट के बाद और अभी तुरंत उन्होंने इसी मामले में जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने काम किया कि 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी, फिर उनको घर से निकाला गया, तो ये फिर उसको रिपीट करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगा ही कि इनको बहाल करो। ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता कि अब उनके पास इसका रास्ता खुला हुआ है, राजनीतिक तौर पर भी नहीं है, टेक्निकली भी है रास्ता, लेकिन उसका इस्तेमाल उन राजनीतिक वजह से नहीं कर पाएंगे। मुझको लग रहा है कि पूरी संभावना है कि इस वीक में जो अगला वीक है उसमें राहुल गांधी सदन में रहेंगे। एक सीधी सीधी बात जो है राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता है ये अनिल सर कि राहुल गांधी की वजह से जो भी वो बोलते हैं बीजेपी को सीधे सीधे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा के बाद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सदन में भी पिछली बार जब हमने उनकी उनका भाषण सुना था तो काफ़ी जो लोग को उन्होंने प्रभावित किया था, और बीजेपी शायद नहीं चाहेगी कि इस तरह की परिस्थितियां बने कि वो सदन के भीतर आए और मणिपुर की हिंसा को लेकर या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणियां करे, जिससे फिर से राहुल गांधी जो है एक बड़े नेता के तौर पर खुद को और भी मजबूती से स्थापित कर सके। तो क्या बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उनको लटकाए रखा जाए? हालांकि बीजेपी की इन्हीं कोशिशों की वजह से जानकार ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी का जो कद है वो और ज़्यादा दमदार होता उभरता हुआ नजर आता है। देखिए संसद से बाहर और संसद, संसद का फायदा इतना ही होगा कि संसद में जो आप बोलते हैं उसके लिए आपको कानूनी तौर पर कोई जिम्मेदार नहीं होना पड़ता है, मतलब आप अगर बिना तथ्य के भी बोलते हैं कुछ भी है, मतलब वो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है जी। तो ये प्रिविलेज जो है इसका ही फायदा है, और बाकी सब जगह आप कोर्ट में घसीटे जा सकते हैं, तो इसके अलावा कोई राजनीतिक मतलब फायदा का सवाल नहीं है। जो कम से कम राहुल गांधी जो बात कहना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं, रैली में कह सकते हैं, लगातार कह भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जो उनको एक राजनेता के तौर पर करना चाहिए एक मुद्दे को उठाया, उन्होंने सारे मामले रखे, और जब गए मणिपुर तो मणिपुर जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से संयमित व्यवहार किया, कोई भी सरकार के खिलाफ बयान नहीं दिया,
कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, लोगों से मिले और जो दुख है उसका दुख का कथा जो है, जो कहानी है वो बाहर लेकर के आए, लोगों दुनिया को उसको बताया और वहां के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है या जो संसद की राजनीति या जो देश का लोकतंत्र है वो आपकी चिंता करता है, जो एक बहुत जरूरत थी, जिसकी जरूरत इसलिए थी कि प्रधानमंत्री गए नहीं, उन्होंने सिर्फ 36 सेकंड की बात कही, इस तरह से इग्नोर और संसद में बहस नहीं होने दे रहे हैं, ये सारा कुछ के बाद एक मतलब जो भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए एक नेता को, उन्होंने किया। तो इसीलिए उनका जो पॉलिटिकल मतलब मणिपुर के मामले में जो है उनका इंटरवेंशन, उस पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है कि संसद में ऑप्टिक्स का असर है दिखने के लिए, और ये इतना बड़ा फोरम है, पूरी दुनिया देखती है, रिकॉर्ड में चीजें रहती है, जबकि पिछले बार उनके अडानी वाले बयान पर उनके रिकॉर्ड से निकाल दिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें की है। तो ये है कि जरूर वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको रोकने से, जितना जो आपने सही कहा, उसको रोकने से बीजेपी को ज्यादा अपना परेशानी होगी, नुकसान होगा। जी, एक और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं अनिल सर, लेकिन सवाल मेरे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उनका बर्ताव था, जिस तरह से संयमित दिखे, बहुत ही सीमित शब्दों में अपना जो है अपनी अभिव्यक्ति की उन्होंने, तो अनिल सर का इस पर क्या कहना है? समझूंगी कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि मेरे मन में क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब क्या है? तो राहुल गांधी को जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और खुद राहुल गांधी बतौर राजनेता कितने मजबूत बन रहे हैं, 2024 के चुनाव में उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इन सब कयासों का जो बाजार है, इस पर स्पष्टता के लिए हमारे साथ बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार, 40 सालों की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले, तमाम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके और मौजूदा जाने माने कॉलमिस्ट भी हैं अनिल सर, अनिल सिन्हा सर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सर, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी आए और उन्होंने जब बात रखी, तो सबको ये उम्मीद हो रही थी कि वो कुछ ज़्यादा कहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया और उन्होंने एक बात कही कि मेरे मन में क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। तो जब इस तरह की बात करते हैं तो वो क्लैरिटी क्या है, आपका आकलन क्या है? देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका व्यवहार है लोकतंत्र में वो आपका दिखना चाहिए, मतलब उसमें करुणा दिखनी चाहिए, उसमें एक संयम दिखना चाहिए और एक एक तरह का जिसको कहते हैं कि आप निरपेक्षता दिखनी चाहिए, कि मतलब सच बोलना है, आप कुछ पाने के लिए सच बोलना है ऐसा नहीं है। तो ये वो उनके दिखाई देता है और वो बहुत गहराई से इस बात पर उनका जोर है, मुझको लग रहा है कि जो उनके उनका व्यवहार है ये भारत जोड़ो यात्रा में खुलकर आया सामने, हालांकि पहले से मैं मानता हूँ ऐसा करते रहे वो, लेकिन ये जो अपीयरेंस है, एक जो पब्लिक अपीयरेंस है, पब्लिक कंडक्ट जो है, वो उनका एक राजनेता वाला जो है सीरियस मतलब पॉलिटिशियन वाला वो है, इसलिए वो उस हिसाब से उसके अनुरूप था। दूसरा है कि क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी मतलब ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह से फाइट है, अभी कुछ क्लिपिंग्स उनके दिखाए गए जो संसद में उन्होंने भाषण किया, अडानी पर अटैक किया है या और भी जो अटैक है उन्होंने मोदी पर जो सीधे सीधे फ्रंटर अटैक किया है उसका उसके कांग्रेस तो है कि ये कि आप उनका सामना मतलब उन लेते हैं पूरी तरह से युद्ध मतलब लड़ते हैं आप, तो वो दिखाई देता है। जैसे अडानी के मामले में है, अडानी के मामले में आपने देखा कि कई सीनियर पॉलिटिशियंस भी उसके खिलाफ उस तरह से नहीं रख पाए, नहीं बोल पाए, वो उन्होंने रखा। सिर्फ अडानी का मामला नहीं है, हालांकि वो उनका फेल गया 2019 के पहले, जिस तरह रफाल के इशू पर उन्होंने किया वो भी बहुत ही पक्का था। अब जो मोदी लोग मतलब मोदी मतलब नीरव मोदी और ये सब जो लोग भाग गए वो मामले, बेरोजगारी का मामला है सबसे बड़ा जो अटैक का मामला है। मैं यहीं पे थोड़ा सा बीच में टोक रही हूँ आपको कि जब कोलार में राहुल गांधी ने 2019 में चुनाव की रैली के दौरान ये बात कही थी कि नीरव मोदी हो या फिर ललित मोदी हो, इस तरह के जो लोग हैं, इनके सभी जो चोर हैं उनका नाम सरनेम जो है वो मोदी क्यों होता है,
एक एक जो काम है सरकार की तरफ से ये आया है सामने कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको बैंक से कहा गया है कि थोड़ी सी जो है छूट दी जाए या फिर एक लचीला बर्ताव उनके साथ किया जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो कंटेंट था जिस बातचीत में अपने भाषण में जो कंटेंट उन्होंने लिया वो तो सच भी साबित हो रहा है, सरकार के एक्शन के द्वारा साबित हो रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स को अगर आप रियायत देने की बात करते हो और नरमी से हैंडल करने की बात करते हैं बैंकों से, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या सरकारों का संरक्षण मिल रहा है ऐसे जो चोर हैं जो देश के बैंकों का धन लूट कर विदेशों में भाग जाते हैं और अब उनको वापस भारत लाने की ये कवायद दिख रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं कंटेंट तो सत्य साबित हो रहा है अनिल सर। एक देखिए वो सच साबित तो ऐसे भी हो रहा है कि आप देखिए कि ईडी जो है वो जितने लोग भाग गए हैं लेकर के जो डिफॉल्टर्स हैं और भी जो देश में भी बने हुए हैं कुछ, तो उनके खिलाफ वो जो उन ट्रेन पर मतलब वो फ्लाइट पकड़ के नहीं जाता ईडी, लेकिन अभी सीबीआई का डायरेक्टर बंगाल चला गया जैसे ही ज्वाइन किया जो नया डायरेक्टर है और वो वहां गया मिलने के लिए, कहा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काम का कैसे। अब बताइए कि बंगाल क्यों गए, वो बंगाल इसीलिए गए कि वहाँ जो कोल स्कैम है और बहुत सारे स्कैम जो चल रहे हैं शिक्षा घोटाला वगैरह जो भी टीएमसी के जो मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी जांच में उनकी रुक। तो ये तो जो उनका आरोप है कि आप उनसे मिले हुए उनका उधर रुख नहीं है, बल्कि उस वो तो जो उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर अलर्ट वार ये था इसके नीरव मोदी के खिलाफ मेरे ख्याल में वो ये भी कर लिया विड्रॉ भी कर लिया, तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? वो लोग तो आराम से घूम रहा है, जो बेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का मतलब वो लंदन में है कोई और कोई दूसरे आइलैंड पे है, सब मजे कर रहा है इंक्लूडिंग मल्या। तो इसीलिए इनका आरोप तो सच निकला और ये आरोप तो अभी देखिए पानी पर आरोप लगाया। अभी बताइए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई उसके बाद इतना हो गया, इतने आरोप लग गए, करीब करीब उनकी साख मिट्टी में मिल गई अडानी की कंपनी के कंपनी की, लेकिन सरकार उनके साथ किस तरह खड़ी है भी। श्री सीमेंट का जो है अंबुजा सीमेंट संगी इंडस्ट्रीज का ये करने वाले थे, श्री सीमेंट मतलब संगी इंडस्ट्रीज को ये करने मतलब टेक ओवर करने वाले थे और उसके लिए काम चालू था कि तुरंत उन पर श्री इंडस्ट्रीज ईडी का छापा पड़ा और वो विड्रॉ हो गया और ये जो है अंबुजा सीमेंट वाला उसका टेक ओवर कर लिया संगी इंडस्ट्रीज का। तो ये तो और ये पहले भी हो चुका है, ईडी का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं कर रहे हैं बल्कि अडानी के एम्पायर को बढ़ाने के लिए मतलब उनके राइवल्स को टारगेट कर किया ईडी ने, और किस तरह से एयरपोर्ट बॉम्बे एयरपोर्ट का जो हुआ उसके बारे में भी आपको पता ही होगा, ये बॉम्बे एयरपोर्ट में जो बीडर था उस बीडर के को ही ईडी में फंस गया, वो तो बेचारा ये हो गया मतलब आउट हो गया सीन से। तो वो तो जो आरोप लगा रहे हैं लगातार और रफाइल वाला तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से फ्रांस में जो भी आ रहा है या उसके बारे में रिपोर्ट उससे पता लग रहा है कि जो मतलब आरोप है उनके वो आरोप करीब करीब सच ही है। और सबसे जो कारण है कि प्रधानमंत्री ने मतलब ईडी जिस तरह से काम करती है जो उनके आरोप है वो तो सच साबित हो रहा है, 70,000 करोड़ का आरोप लगाया एनसीपी पे, एनसीपी के जितने लोग उस 70,000 करोड़ में आते हैं वो सब लोगों को उसने बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और वो बकायदा मंत्री पद दे दिया और जो इसको प्रधानमंत्री ने उन्हीं लोगों मतलब जो 70,000 करोड़ का मामला है उसमें जो नहीं एनसीपी के लोग वो बाहर है और जो वो 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल थे उस सारे लोग मतलब एनब्लॉक उधर चले गए। तो ये तो मतलब राहुल गांधी जो ईडी अडानी का नेक्सस मतलब प्रधानमंत्री मोदी का ईडी का सबका ये जो नेक्सस है जिस तरह से चल रहा है और वो तो लगातार कहते रहे कि आपका पैसा लेकर के उनके जेब में डालना। और सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट करना जरूरी है वो ये है कि कम्युनलिज्म का जो हिंदुत्व का जो फोर्स है जिस तरह से छा रहा है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मणिपुर में हरियाणा में अभी जो मेवात में जिस तरह से हो रहा है उसके खिलाफ एक ही आदमी बिना किसी मतलब जिसको आप कहते हैं कि क्लियर कट टर्म्स में फाइट दे रहा है तो वो राहुल गांधी है, जो उनका भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने काफी कुछ जो टेंस इस तरह का सांप्रदायिक तनाव की जो स्थिति थी उसको कम किया और कर्नाटक में उसका रिजल्ट आया। तो ये हिंदुत्व पर जो उनका प्रभाव
प्रहार है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ओवरऑल एक वर्ड में इसको आप समेट सकती है कि लोकतंत्र पर जिस तरह का हमला हिंदुत्ववादी ताकतों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और आरएसएस के साथ मिलकर के किया है, उसको उसका मुकाबला करने का जो दायित्व तो है वो उन्होंने निभाया है और उसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। शायद इसी क्लैरिटी की बात राहुल गांधी कर रहे थे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब आप ये तो कह रहे हैं कि आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सदन में राहुल गांधी आएंगे और बीजेपी ज्यादा किरकिरी ना अपनी करवाना चाहती है, इसी वजह से हम उम्मीद लगाएं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी आएंगे, ये तो पूरी दुनिया देखेगी सर। लेकिन मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी को ये जो सजा पर रोक लगी, इसके एक दिन पहले ही दिल्ली विधेयक जो है लोकसभा से पारित कर दिया गया है, तो अब केजरीवाल का विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़े रहना एक परिस्थिति ये, और राहुल गांधी का जो है सांसदी बहाल हो जाना, इस परिस्थिति में विपक्षी गठबंधन को किस तरह से देखते हैं आप, क्या शेप लेती नजर आती है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है INDIA उसका उसने अपना उसमें किन लोगों को आना था, मतलब जो घटक है या जो नेता जिनको आना था वो अब क्लियर हो, इतने लोग रहेंगे इसके साथ और 2024 तक रहेंगे। इसमें जो मतलब वीक पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा बड़ा वीक पॉइंट था वो मतलब जिसको कमजोर कड़ी कहते हैं वो थे केजरीवाल। अब लेकिन जैसी इस तरह की परिस्थितियां बनी है कि केजरीवाल के लिए संभव नहीं हो पाएगा कि वो इंडिया गठबंधन छोड़े, और दूसरी जो कमजोर कड़ी थी वो ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी की भी ऐसी स्थिति बन रही है कि वो नहीं जा सकती है। बाकी विपक्षी पार्टियों में ऐसा एक तरह का एक समझिए कि अंधे धुंध था कि कौन कौन लोग आएंगे, जिसमें कि कई लोग था कि BRS क्या करने वाली है, BJD क्या करने वाली है, YSR की पार्टी क्या करेगी, YSRP, तो ये सारा कुछ चल रहा था। तो अब वो क्लैरिटी हो गई और ये इस विधेयक ने इस क्लैरिटी को कम कर मतलब क्लियर कर दिया, इसलिए क्लियर कर दिया कि अगर कोई थर्ड फ्रंट बनने की बात भी होती तो केजरीवाल उसमें जरूर होते, लेकिन अब केजरीवाल इधर हैं, जो केजरीवाल के साथ नहीं आए अब उनके साथ वो थर्ड फ्रंट नहीं बना सकते, मोरली भी नहीं बना सकते, पॉलिटिकली भी उनके लिए अब संभव नहीं है कि उन लोगों से एसोसिएट करें। तो BJD और YSR की पार्टी वो तो अब आउट हो गई इंडिया के जो इस फ्रेमवर्क में, जो अब विपक्षी एकता वाले। अब BRS है जो फेंस पर है, जो इसने साथ दिया है इसका क्या कहते हैं केजरीवाल का, क्योंकि केजरीवाल पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ दिया उन्होंने संसद में, आगे भी देती रहेगी, लेकिन वो उनका कांग्रेस से टकराव है तेलंगाना में और इसको कोई मतलब ये ग्राउंड रियलिटी है, तो उनका भी मुझको लगता है इंडिया में नहीं आएगा। तो अब जो 26 पार्टियां आप देख रहे हैं देख रही हैं इसमें इंडिया में वो पूरी तरह रहेगी, और इस ये जो फैसला है इससे भी अब क्लियर हो गया कि कम से कम राहुल गांधी संसद के उम्मीदवार भी रहेंगे आने कल, मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव पे उनको मान लिया लटकाती है, तो मुझको लग रहा है कि पॉलिटिकली ये करेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप इनसे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, मतलब उम्मीद क्या कुछ भी कर सकते हैं ये, ऐसा आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग कब क्या करें इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो पूरा एक्सरसाइज ही था पुनेश मोदी वाला और राहुल गांधी को संसद से सदस्य की सदस्यता उनका ले लेने वाला, और जिस तरह से उनको तुरंत संसद का सदस्यता से निकाला गया और उसके बाद उनको घर से भी निकाल दिया गया, ये सारा कुछ जो है इससे लगता यही है कि जो भी बीजेपी का मास्टरमाइंड है रणनीतिकार है वो कम से कम लोकतंत्र के फ्रेम में नहीं सोचता है, उसको है क्या कि टारगेट करो लोगों को, उनको धमकाओ, उन पर हमले करो एजेंसी से तरीके से और हर तरह से उनको परेशान करो, और गोदी मीडिया जो इंडिया में जिसको आप सबको जानते ही हैं कि उसको गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, तो वो मीडिया उनका पूरी तरह साथ है, तो ये इसकी इस सहारे में जिस तरह वो चाहते थे तो इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि मैं जो आपको कह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं करना चाहिए या नहीं करेंगे राजनीतिक तौर पर ऐसा लगता है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं एक लोकतंत्र के दायरे में देखता हूँ, और जो भी लोग है वो लोकतंत्र के दायरे में देखता है कि पॉलिटिक्स का मतलब दुश्मनी नहीं है, पॉलिटिकल फाइट है, अब चाहे आइडियोलॉजी पे हो चाहे इंडिविजुअल्स के की वजह से हो या टेक्निकल आधार पे आप लड़े, लेकिन आप उसको व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर लेते हैं जो लगातार ले रहे हैं,
मतलब बीजेपी वाले लोग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री तो लेते ही है कि अगर आप हैं इधर तो है, नहीं है तो आप मेरे दुश्मन हैं। तो इस तरह का जो एक टेंडेंसी है उनके गवर्नेंस में या उनके जो पॉलिटिकल बिहेवियर में, उस टेंडेंसी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, इसको ओपन एंडेड ही मानना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र और राजनीति के जो का जो ये है, मतलब जिसको आप कहेंगे कि उसकी जो वोकैबुलरी है, उसका जो लैंग्वेज है, उसके हिसाब में ये नहीं आता। उस लैंग्वेज में यही आता है वो तुरंत उसको बहाल करेंगे और उनको बोलने का मौका देंगे। एक कड़वा सच ये भी है कि प्रधानमंत्री सदन का रुख नहीं करते हैं, कम ही नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या ये चाहेगी कि राहुल गांधी आ जाए ताकि जो विपक्षी गठबंधन है उसका पलड़ा भारी हो जाए? एक फैक्ट ये भी कह सकते हैं अनिल सर कि ऐसे में इसकी भी संभावना है कि शायद रोके रखने, क्योंकि आपने खुद कबूला है कि जो भी इस रणनीति के पीछे दिखता है, बीजेपी की रणनीति के पीछे, वो लोकतंत्र के दायरे में या लोकतंत्र की भाषा में रहकर जो है इसके ये रणनीति नहीं तैयार करता। तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी कहते हैं कि मोदी और अमित शाह की रणनीति क्या है इसका पता भी नहीं लग सकता, जानकारों को भी नहीं लग पाता। ये आपने सत्य बात कही है। लेकिन मैं अब विपक्षी गठबंधन जो है, क्योंकि कांग्रेस कितनी, पहले तो मैं कांग्रेस को समझ लेना चाहूंगी कि कांग्रेस कितनी मजबूत दिख रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां जोर शोर से, बल्कि युद्ध स्तर से दिख रही हैं दोनों तरफ से, तो कांग्रेस कितनी मजबूत हो गई अब? देखिए, एक तो हम लोगों का क्या है, जो हम लोग जर्नलिस्ट हैं या जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जो चुनाव के बारे में विश्लेषण करते हैं, उन लोगों को आंकड़ों पे जाते हैं और उसमें कुछ सर्वे वगैरह आने लगते हैं, उसपे हमको लग रहा है कि उसमें कोई दम नहीं होता है। जो लोग जिस तरह से, मतलब भारत में कम से कम, देखिए भारत एक ऐसा देश है, इसको समझना चाहिए कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, उसमें बहुत लेयर्स है। तो जो आदमी के व्यवहार में वो बहुत सारी चीजें काम करती हैं, कई बार जो है लोगों को पसंद और नापसंद करने का आधार होता है, कई बार कॉम्पैशन होता है। जैसे इंदिरा गांधी को इन्होंने टारगेट किया 77 के में सरकार में आने के बाद जनता पार्टी के लोगों ने, तो तुरंत उसको 1980 में उन्होंने सत्ता में ला दिया। उसके बाद वो मारी गई तो उनके बेटे को उन्होंने, मतलब अभी तक के जो रिकॉर्ड जो सीट्स मिलनी चाहिए कांग्रेस को मिली। तो इंडिया का जो आदमी है वो उस तरह से, भारत का आदमी वो उस दूसरे ढंग से रिएक्ट करता है, उसको आप कैलकुलेटेड पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं कर सकते जो कैलकुलेशंस के आधार पे होता है। और बाकी तो आप मालूम ही है आपको कि जाति धर्म क्षेत्र भाषा सारा कुछ मैटर करता है, तो इसीलिए वो उसके आधार पर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर जो वो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आंकड़ों के हिसाब से, तो आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस अभी भी बहुत पीछे है बहुत सारे जगह, मतलब उनकी सीटें इतनी कम हो चुकी थी पिछले लोकसभा में कि आपका, मतलब उन विपक्ष का नेता भी नहीं ले पाए। तो इसीलिए उस आधार पर देखेंगे तो कांग्रेस आपको कमजोर दिखेगी। लेकिन अगर आप उसके बाद का डेवलपमेंट देखेंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कि वो कर्नाटक का इलेक्शंस देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में उनकी जीत हुई, गुजरात का एक उनके साथ अभी भी प्रॉब्लम है जो कि और खराब हुआ है, पहले से खराब उनकी हालत हो गई आम आदमी पार्टी ने के बीच में आने से, तो एक गुजरात को छोड़ दें तो पूरे हिंदुस्तान में एक चेंज दिखाई दे रहा है। और उस चेंज के मतलब अगुआ दस्ता जिसको कहते हैं, जो आगे फ्रंट पर फ्रंट रनर जिसको बोलते हैं, वो है कांग्रेस है। तो इसीलिए कांग्रेस उस हिसाब से काफी मजबूत हुई है। और दूसरा है कि एक सबसे बड़ा हुआ है कि राहुल गांधी की इमेज का पूरी तरह बदल चुकी है, जो छवि उनकी बनाई गई थी पप्पू वाली छवि, वो अब पप्पू कहने की मुझको लग रहा है कि एक आध बार कोई गलती से भी बोलता है तो सोशल मीडिया में वो उसको नहीं कह पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि राहुल बदल चुका है, जो उनका अपने बारे में कहा कि वो राहुल गांधी नहीं है, तो वो सच है। क्योंकि अब जो आप देखिए उनका जो विदेश में इंटरेक्शंस है, देश में इंटरेक्शंस है, कहीं मतलब एकदम सीरियस पॉलिटिशियन तो है ही, और उसमें दिखाई देता है जो सीरियसनेस है वो ओढ़ा हुआ नहीं है। और कोई और इस सीरियसनेस को बनाने में बीजेपी की रणनीति का जो है काफी बड़ा योगदान है, ये भी कहा जा रहा है। बहुत से जानकार जो है कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से नुक्ताचीनी की राहुल गांधी के साथ, आज उनको एक परिपक्व लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया है खुद बीजेपी की रणनीति ने। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी अनिल सर, यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, और उसके बाद भारत की जो राजनीति है और राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की जो राजनीति है और बीजेपी की जो राजनीति दिखती है हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम या फिर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो राजनीति दिखती है, इस मोर्चे पर खास करके किस तरह से शेप लेती नजर आती है। की बात फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। और भारत की राजनीति का सच क्या है, ट्रूथ क्या है, समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा बने हुए हैं। अनिल सर, मैं आपसे सब बनना चाहती हूँ कि नेता कौन होगा विपक्षी गठबंधन का, राहुल गांधी को अब जब वो लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे तो क्या, अगर कांग्रेस इस बात का दावा करेगी कि राहुल गांधी को एक फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, क्या, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाएगा और क्या राहुल गांधी स्वयं इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि कई बार मुझे लगता है और कई जानकार भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो जो है वो सीधे सीधे टक्कर दें या सीधे सीधे इस तरह की राजनीति करें। अनिल सर, आप देख रहे हैं जी, नहीं नहीं देखिए, ये जो डिबेट है कि कांग्रेस, मतलब ये समझिए कि एक तरह से ओल्ड डिबेट है, बीजेपी के मतलब स्पॉन्सर्ड भी आप कह सकते हैं, कई लोग इसको करते रहते हैं कुछ मीडिया में, कि अगर जिस तरह से उनके, मतलब कल से शुरू हुआ है ये फिर से, कि कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी अगर रिवाइव हुए हैं, मतलब आफ्टर रिवाइव थे ही वो, उसमें गोदी मीडिया झूठ बोल रहा है वो कि वो रिवाइव ऑलरेडी थे, बल्कि उनका रिवाइवल और ज़्यादा गहरा होता अगर वो इस मुकदमे को हार जाते, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता और ज़्यादा लोग उनके पक्ष में जाते, इसीलिए इस वो तो मुझको लग रहा है क्या कि बेसलेस है, मतलब बेबुनियाद है। लेकिन वो जो डिबेट है उसके बारे में ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस, पहले भी यही मुद्दा उठाया जाता था कि कांग्रेस अपनी अपना वर्चस्व, मतलब मुख्य पार्टी और नेतृत्वकर्ता पार्टी का हक जताती है, जिसके वजह से ये सवाल भी उठाया था ममता बनर्जी ने, पीआरएस ने, सब लोगों ने, मतलब केसीआर ने, ये सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे, तो ये चला केजरीवाल तो उठाते ही थे कि कैसे कांग्रेस को नेता माने, तो वो सेटल हो गया इशू इंडिया बनने के बाद, क्योंकि अब निश्चित तौर पर सारे लोगों ने बाकायदा कहा है कि कांग्रेस जो है वो लेगी और लीडिंग पार्टी होगी। ये जो सवाल है कि नेता कौन होगा, ये नेता खुद ये कई बार वो जाहिर कर चुके हैं कि, मतलब ये बता चुके हैं, इंडिकेट कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल जो मेरा मेरी समझ है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस ये गलती नहीं करेगी कि उनको प्रोजेक्ट करेगी एज ए प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, वो उनको लीडर के रूप में ये करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, और ये मुद्दा रहेगा ही नहीं। ये इस बात को क्लैरिटी उनकी मीटिंग्स के बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ममता बनर्जी से लेकर के राहुल, मतलब लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, सब लोगों को हो चुकी है कि लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी लेकिन उसमें से कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, और सारे के सारे लोग, ऐसा वक्त अगर आएगा, अगर कांग्रेस, अगर मतलब जो विपक्षी गठबंधन अगर जीत जाता है, तो कांग्रेस अपना लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बनाएगा, मतलब बनाएगी, ऐसा मेरा अंदाजा है, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पहली बार किसी को प्रधानमंत्री, मतलब दलित प्रधानमंत्री पद का सवाल आएगा, कोई पार्टी ये इसको इसका विरोध नहीं कर पाएगी, तो इसकी पूरी संभावना है। लेकिन कांग्रेस, मेरा मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन के पहले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं घोषित करने वाली है। इलेक्शन के पहले जो 2024 के इलेक्शंस में 4-5 कैंडिडेट दिखाई देंगे आपको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का, और एक दूसरे के सहमति से दिखाई देंगे, ताकि उनके इलाके में एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि उनके इलाके में जैसे अब नीतीश कुमार को अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में अगर बिहार में प्रचारित करता है गठबंधन, तो निश्चित तौर पर बिहार का आदमी 2024 का इलेक्शंस को इस रूप में देखेगा कि चलो हमारा एक प्रधानमंत्री हो जाएगा। ममता बनर्जी अगर उनको दिखाई देगी तो बंगाल में उनको वोट मिलेगा। ये इस मतलब जो इस मौके को, मतलब ये जो सुविधा है या अवसर, इसको गंवाना नहीं चाहेगा विपक्ष, तो इसीलिए ये स्ट्रेटजी, मतलब मेरा अंदाजा है कि कई लीडर्स अपने अपने, जैसे स्टालिन है तो तमिलनाडु में डीएमके निश्चित तौर पर इस तरह का हवा बनाना चाहेगी कि स्टालिन प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर ऐसा, मतलब वैसा सिचुएशन आया, सब लोग जीत के जाते हैं। तो ये हमको लग रहा है कि यही स्ट्रेटजी इनकी रहेगी कि
कैंडिडेट पहले किसी को लीडरशिप देने का नहीं, ये जो गोदी मीडिया उठा रहा है या बीजेपी करवा रहे, इसीलिए कि कुछ विवाद हो सके, लेकिन उसका इतना पॉलिटिक्स इतना मतलब ना समझ लोगों का खेल थोड़ा ही है कि आप जो है कोई एक पत्ता फेंक देंगे और सब जो है लड़ने लगेंगे। ये जो विपक्षी एक गठबंधन है, इस बात को जरूर समझना चाहिए कि इन्होंने पॉलिटिक्स के कारण आइसोलेट नहीं किया था राहुल गांधी को, और इसके उनको जो आइसोलेट किया गया कांग्रेस को, उसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं थी, उसके पीछे ईडी और ये था। जैसे मायावती चुपचाप बैठ गई, इवन अखिलेश फाइट नहीं कर पाते, ममता बनर्जी भी कांग्रेस के खिलाफ जाना चाहती थी, केसीआर क्यों, ये सब सबके पीछे ईडी का प्रॉब्लम है। अभी भी जो फाइट करने में जो झिझक दिखाई देती है उसके पीछे ईडी है, महाराष्ट्र में तो पूरा उसका खेल ही दिखा। तो ये पॉलिटिक्स आइसोलेट करने वाला वो 2014 तक था, जब तक एनडीए, आप देख लीजिए एक भी एनडीए, देखिए इसको इस तरह से एक लाइन में मैं इसको खत्म समाप्त करूंगा कि एनडीए का कोलैप्स, मतलब अब कोई पार्टी नहीं है उनके साथ, ये पकड़ के ले आया है उन्होंने, जिसके सदस्य भी नहीं है लोकसभा में, कोई पार्टी भी एग्जिस्ट करती है नहीं उस तरह का गिनती के लिए, वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एनडीए पूरी तरह खत्म हो गई। इसका मतलब कि जो पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन जो था बीजेपी ने खुद खत्म कर दिया, तो अब पॉलिटिक्स ऑफ कोलिशन बचेगा अभी तो विपक्ष की तरफ बचेगा, इसलिए इंडिया को कोई मतलब INDIA को कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इशू कोई मैटर नहीं करेगा। एक जाते जाते, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रह गया सर, तो मैं जाते जाते नीतीश कुमार के बारे में भी समझना चाहूंगी कि एक तो जाति आधारित सर्वे जो है हाईकोर्ट से उनको एक राहत मिल गई कि वहां पर होगा, ये कितना बेनिफिट करता हुआ नीतीश कुमार को दिखता है, और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद कांग्रेस से नाराज भी हो गए, इन दोनों सवालों पर आपसे समझना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है। नहीं, देखिए क्या है, ये मीडिया ड्रिवन है, नीतीश कुमार इस तरह से इतने मतलब कच्चे बहुत परिपक्व राजनेता हैं, वो सोच समझ कर गए हैं 2024 के इलेक्शंस के लिए ही वो गए हैं, मतलब एनडीए से निकल करके वो महागठबंधन में, तो इसीलिए इसको क्लियर समझ लीजिए कि 2024 में वो अपना कैंडिडेचर है उनके मन में और वो रखेंगे, और उस और उनको लगता ये है कि अगर कोलिशन अगर जीत करके आई और कांग्रेस मतलब एक सीमित ही उसकी सीटें मिलेंगी तो वो एक कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए ये जो है संभावनाओं का खेल है, नीति और इतने साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार, निश्चित तौर पर उतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गवर्नेंस का भी अनुभव है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और कुछ लोग जैसे कि BRS है या सर, क्योंकि राहुल गांधी को एक बड़ा वो हो गया, तो क्या विपक्षी गठबंधन की जो बैठक होनी थी मुंबई में वो अब हम देखेंगे कि जल्दी हो सकती, जल्दी तारीखों का ऐलान हो सकता है, शायद मेरे ख्याल में 1 सितंबर की बात है, अभी मैं तो पक्का नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन सर कोई कह रहा था कि 1 सितंबर को वो बैठक होगी, वो बैठक देखिए उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पवार जो है, पवार के बारे में भी अब जब जाते जाते हो रही है बात तो बता दूं, पवार इंडिविजुअल पर्सनली बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी और जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स है वो उसको खत्म नहीं करेंगे बीजेपी के साथ जाकर के, उनके सारे लोग चले जाएंगे तो भी वो बने रहेंगे, वो और सुप्रिया सुले और उनके साथ जयंत पाटिल जैसे लोग वो रहेंगे इसमें INDIA में, तो इसीलिए मुंबई की बैठक के शक जो संदेह वगैरह जाहिर कर रहे हैं मीडिया वाले लोग उसका कोई आधार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने इतनी स्पष्टता के साथ मुझे और मेरे दर्शकों के लिए ये समझने में मदद की, आसान किया कि राहुल गांधी को अब जो ये राहत मिली उसके बाद जो शेप है विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का वो क्या होने जा रहा है और मुंबई में क्या संभावनाएं दिख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर आपका फिर से, और अब दर्शकों से अपील कि आप info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलिए, आपके फीडबैक का रोज इंतजार रहता है, साथ ही आप भेज सकते हैं अपना ईमेल neha@justbroadcasting.com पर भी। फिर होगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।